बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के सहयोग के अनुरोध पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से आए डिप्टी सेक्रेटरी एवं उनकी टीम के साथ बैठक आयोजित कर बिजनौर पौराणिक सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जिला है जिसमें पर्यटन के लिए विशेष संभावनाएं एवं आकर्षण है। डिप्टी सचिव जल शक्ति भारत सरकार धीरज जोशी बिजनौर की पौराणिक सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जानकारी देते हुए बहुत प्रभावित हुए। बिजनौर को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रयास करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिला बिजनौर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है जिसके अंतर्गत कणव आश्रम विदुर कुटी बैराज पीली डैम मालन नदी को विकसित किए जाने का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि विदुर कुटी को आम जन के लिए हितकारी बनाने के लिए वहां स्थित आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर आधारित चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं जिसमें मरीजों के भर्ती एवं तीमारदारों के लिए ठहरने की उचित व्यवस्था भी मौजूद है। उन्होंने बताया कि इसी के साथ ज्योतिष एवं योगा अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा कलेक्ट्रेट सभागार में जिले को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के सहयोग के अनुरोध पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से आए डिप्टी सेक्रेटरी एवं उनकी टीम के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रहे थे। तो एक तो टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन ये कहा जा रहा है। दूसरा बात यह है कि जैसे मैंने बताया कर्ण ऋषि शकुंतला दुष्यंत और भरत की ये जगह है और कागजों में ये दर्ज भी है, ये मैं कोई हवा बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ विदुर जी जब महाभारत के समय से मतलब उनका मन विक्षुब्ध हुआ तो आकर के यहाँ रहना शुरू किया। तो यहाँ मुझे पूरा विश्वास है भारत की जो दो तीन सबसे सुंदर या एक दो हो गए जो चर्च है वो हमारे यहाँ है ताजपुर में। मतलब कोई भी देख जाए तो देखेगा कितनी सुंदर चर्च मतलब कैसे हो सकती है। यहाँ जो भी रंगपुरा है मतलब कम से कम 20-25 लाख आदमी आता है वहाँ, मजार है बड़ी प्रसिद्ध मजार है। उसके बाद आपको उत्तरांचल का ये पूरा गेट द्वार है, गेटवे है। यदि आप हरिद्वार जाना चाहते हैं ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो इधर से जाइए। यदि आप ले डाउन और इधर तो द्वार तरफ जाता है तो वो भी हमारा रास्ता हो जाता है। हमारे पास अभी मतलब एक महीने देखा मूर्तियाँ यहाँ पूरा तत्व के हम उसको डेवलप करा रहे थे। कम से कम 100 मूर्तियाँ 9वीं-10वीं शताब्दी की तब की है जब यहाँ जैनों का बहुत बड़ा मंदिर रहा होगा, उसको भी हम संरक्षित करा रहे हैं। इस प्रकार मतलब ये तो मैं छोटे छोटे बता रहा हूँ। यहाँ क्रांतिकारी काकोरी कांड के जो हमारे शहीद थे वो आकर के यहाँ रुके हुए थे, उसको भी हम लोग डेवलप करा रहे हैं। तो यहाँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक साहित्यिक और पुरातात्विक सारी चीज़ें हैं। और मैं कहता हूँ कि कोई भी जिला सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध ही नहीं है। जंगल हमारे पास, पहाड़ हमारे पास, नदी पर्वत तो पानी हमारे पास तो, और इतना बड़ा एरिया है जहाँ जहाँ जाएंगे आपको केवल ग्रीनरी ग्रीनरी मिलेगी। तो यदि आप यहाँ कुछ भी करेंगे तो पब्लिक का फुटफॉल बहुत होगा। अवेयरनेस का लेवल यदि मैं गंगा संरक्षण की बात करें तो इससे बड़ा अवेयर उत्तरांचल होकर के कौन से गढ़ है रामनगर। अब वो आदमी दिल्ली से और चंडीगढ़ से फोर लेन हमारी हो गई है, आपको हरिद्वार से फोर लेन हो गई है, तो वो आदमी 3.5-4 घंटे में वो पहुंच जाएगा कार्य। तो वो क्यों 7 घंटे यात्रा करेंगे? आज का समय है गूगल का समय है, आदमी तुरंत डाटा कहाँ से नियरेस्ट कौन से एरिया है वहाँ जाएंगे। तो हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का हमारे पास एक बहुत बड़ा स्कोप बनने जा रहा है कि कार्बेट का जो बफर जो है वो हमारे एरिया में आ रहा है। कितने किलोमीटर पर किलोमीटर है करीब? हाँ मतलब वन किलोमीटर कितना है? रिपोर्ट नई मंसारी बिजनौर। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।